हेलो सी एस सी यूजर्स, कैसे हैं? अब अगर आप सी एस सी पोर्टल पर रिचार्ज करने में दिक्कत आ रहा है आपको, तो वीडियो को पूरा देखना। वो रिचार्ज ऑप्शन को मतलब हटा दिया गया है या उसे रिनेम कर क्या है, तो वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ और आपका प्रॉब्लम यही होगा। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, मैं बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सी एस सी पोर्टल को ओपन करते हैं। तो ये रहा उसका होम पेज इंटरफेस। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख टेलीकॉम करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, देखो मैं दिखाने वाला हूँ, ये रुको, टेलीकॉम, ठीक है, वो टेलीकॉम यही। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है, ये रिचार्ज से रीनेम करके ये टेलीकॉम कर दिया गया है, ठीक है। तो घबराना नहीं, आपको सिंपली यहीं पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सीधा ये रिचार्ज करने का पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो चलो क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्लो है तो वेट करते हैं। देखो ये आ गया, जो आप पहले रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे तो आपको यहीं पे लाता था, ठीक है। तो ये रिचार्ज को रिनेम करके टेलीकॉम कर दिया गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करना है मोबाइल प्रीपेड पे, ठीक है। तो चलो क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा टेलीकॉम कंपनी का लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप मोबाइल कौन सा रिचार्ज करना है तो टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जियो करना है तो जियो, एयरटेल करना है एयरटेल, बीएसएनएल करना है तो बीएसएनएल आपको करना है, ठीक है। तो मतलब आपको यही दिक्कत होगा इस वीडियो देखने का कारण, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और सक्सेसफुली आपका प्रॉब्लम फिक्स हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना भाई, ठीक है। थैंक यू।